शनिवारी 25 एप्रिलला नेपाळमध्ये विध्वंसक भूकंप झाला. या नैसर्गिक आपत्तीत अनेक जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले, मात्र या ढिगाऱ्याखालून तब्बल 5 दिवसांनी एका माणसाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. मृत्यूच्या दाढेतून सुखरूप परत आलेल्या या माणसाचा प्रत्यक्ष अनुभव जाणून घेतले आमचे प्रतिनिधी पवन नारायण. बहुत बड़का प्रशस्त लग गया पेट उठ गया ऐसा हो गया. अनि जब यो पहाड़ आए न जब भूकंप खम हो हम तो ऊपर था मरुभूमि था जिसको में जब इधर देखा तो सब सुनसान कोई भी नहीं सब सब पुर चुका था. हमारा बेटा भी साथ था हमारा वो भी गिर गया. हमने बहुत मान बहुत लोग को पुकारा मदद ले कोई ना है और सिर्फ उसमें सिर्फ हम दो की मृत्यु की चाहिँ भगवानको भरोसा से. तो कितने दिन बाद अस्पताल पहुंचे आप? 5 दिन के बाद. 5 दिन के बाद? तो 5 दिन तक कहाँ थे आप, कैसे रहे? हम वो फोर पानी पी के बारिश का पानी पी के गंदे गंदे पानी गंदा पानी पी के पिया क्या गंदा. तो आप मलबे में ही दबे थे? नहीं वो हिले में था हम वैसे मलबे में थे. उसमें तो बाहर कैसे निकले? हम तो वैसे हम तो पहाड़ ढकने बाद हम तो ऊपर था. सेल्फ एफर्ट तो ऐसे रेंगते हुए बाहर. यस सर. 14 लोगों का दल गया था, सिर्फ यही बच पाए 5 दिन बाद इंडियन आर्मी के. कैसे आए आप बता रहे थे हमें? कैसे इनको लाया गया? ये इंडियन हेलीकॉप्टर जो था ना उसके सहयोग ने हॉस्पिटल से लाया. तो इंडियन वो फोर्स नहीं हुआ था उसको बच नहीं पाएगा, इसीलिए हम इंडियन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहेंगे. हम कभी नहीं भूलेंगे. वो हमारा लिए भगवान है. आपके लिए भगवान? वो 6 को 2 हमारा लिए वहाँ भगवान बन बन के आएगी. बराबर है वो ऐसा क्या. तो वो कितने दिन बाद पहुंचे थे 6 लोग आपके पास? वही 5 दिन के बाद. 5 दिन के बाद 6 लोग पहुंचे. 5 दिन आप अकेले थे? अकेले थे. आसपास कोई और जिंदा नहीं था? नहीं कोई नहीं था. कितने लोग आसपास मरे होंगे? वो सब फूट चुका था मिट्टी से. लगभग कितने? 13-14 लोग. यानी मिट्टी के घर में ठहरे थे, 13-14 लोग मर गए थे लाशों के बीच. ये इकलौते बदबू आने लगी होगी लाशों से? तो वो बदबू से तो हमारा कीड़ा पड़ गया था. हमारा तो बदबू आया ना. अच्छा कीड़े पड़ गए थे आपके हाथ में? सब इनके हाथ में कीड़े पड़ गए थे, सड़ना शुरू हो गया था, सर में भी कीड़े पड़ गए थे. अभी सफाई की है तो कीड़े पड़ गए. फिर क्या सोचा आपने? लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, कीड़े पड़ गए, अब हम कीड़े मकोड़े खा जाएगा सोचा. हम तो जब दोस्त लोग आया तो हम भूल गया आप तो बम बाजेगा. ये दोस्त लोग हम भगन पड़ के आया वही खुशी था. सोचिए आप इनके हाथ में माथे पर कीड़े पड़ गए, साथ में 12 लाशें पड़ी हैं. उस हालात में एक आदमी बच के निकल के आ जाए तो शायद चमत्कार शब्द भी छोटा पड़ता है. नेपाळ दुर्घटनेनं अनेकांचा जीव घेतला, मात्र या विनाशातही काही सुदैवी आहेत जे मृत्यूला मात देऊन आलेत. सुप्रसिद्ध धरारा टॉवरच्या 9व्या मजल्यावरून पडूनही एक प्रेमी युगल मात्र वाचला. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी पवन नारायण. धेरै चोटपटक लागेन, अब एउटा हात बाँध्यो. साथी एकजना साथी थियो, साथी नि यही छ 16 नम्बर बेडमा. तो इनका कहना है कि ये बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं आपने आपको जो जिंदा बचे हैं. 9वीं मंजिल पे धरारा बिल्डिंग में थे, हाथ टूटा है इनका और इनके चेहरे पर एक सुकून है, शांति है कि इनकी जान बच गई. इनकी साथी 16 नंबर बेड पे है, उनका पांव टूटा है, 16 टाके आए हैं, लेकिन वो दोनों 9वीं मंजिल पर थे धरारा टावर की जब वो गिरी. लेकिन भगवान या कहें कुदरत का चमत्कार देखिए कि वो बच गई. इनका नाम क्या है? प्रमिला श्रेष्ठ. प्रमिला श्रेष्ठ. प्रमिला श्रेष्ठ. अच्छा तो ये अब बोल पा रही है? बात नहीं आपकी? बात तो कर रहा है अभी. बात कर रहा है. और अब आपको लगा था कि इतने बच पाएंगे? खुश है अब? बहुत खुश है भगवान की कृपा से, बच गया है. आप कहेंगे ये चमत्कार है? चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान के ऊपर. पशुपतिनाथ ने जो दिया है ना हाथ, वो सब अच्छा है. तो जब ये अस्पताल पहुंची, आप पहुंचे, पहली बात इन्होंने क्या कही आपको? मैं तो नहीं था वहाँ पर, इन लोग था, उसमें था जब. तो चमत्कार है कि होश में थी, पांव जरूर टूट गया है लेकिन शांति और खुशी इस बात की है कि ये मौत को मात देने में कामयाब रहे. दो दोस्त थे, दोनों सुरक्षित हैं और अस्पताल में है. खुशकिस्मत है लोग ये जो जिंदा बच पाए.
वही धरहरा टावर जो कभी नेपाल की शान हुआ करता था आज नस्ते नाबूद हो चुका है और वहां पर सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन ये चमत्कारिक रूप से बच गए। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।